एक्टिविटी से सीवेज में बनता है कौन सी गैस बनती है कौन से बैक्टीरिया से तो आंसर आएगा उसका सीवेज में बनती ऑप्शन नंबर डी अगला क्वेश्चन तो से सिट्रिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है कैंडिडा यूटिलो एसिटोबैक्टिस नो एस्पेरिगेगर हांजी लैक्टिस नहीं तो हमारा आंसर गया यहां से ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माइक्रोब्स आर फाउंड इन माइक्रोब्स कहां मिलते हैं थर्मल वेंट्स हाईली एसिडिक एनवायरमेंट यहाँ मिलते हैं डीप इन द दॉयल यहाँ भी मिलते हैं वाटर एयर इन साइड आर बॉडीज माइक्रोब्स तो वहां भी मिलते हैं तो हर जगह मिलते हैं तो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ डीज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग मैचिंग ऑफ अ माइक्रोब एंड इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इसमें से यहाँ कुछ माइक्रोब्स दे रखे हैं और यहाँ पे इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बता रखे है हमें इसमें रॉन्ग मैच कौन सा वो बताना है

जम है जो फ्लॉक के अंदर प्रेजेंट होते हैं जबकि जब सीवेज ट्रीटमेंट हो रहा होता है एनरोबिक बैक्टीरिया एंड फंगस नहीं एरोबिक बैक्टीरियन फंगस प्रेजेंट होते हैं तो आंसर आएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एज द ऑर्गेनिक मैटर मैटर इंक्रीजेज इन बॉडी द बी ओ डी जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है एक वाटर बॉडी में तो उसका बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है बढ़ती है घटती है या अनचेंज रहती है इनिशियली इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है तो उसका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए इट मीनस इंक्रीजेज जैसे ऑर्गेनिक

कि वो पैथोजन है जो किसको अटैक करते हैं इंसेक्ट्स को दूसरे एथ्रोबोड्स को ताकि वो प्लांट्स को डैमेज ना कर पाए मोस्ट ऑफ दीज बायोकोल एजेंट्स बिलोंग टू द जीनस न्यूक्लियो ये भी बिल्कुल ठीक है ज्यादातर इस जीनस से बिलोंग करते हैं दे डू नॉट हार्म प्लांट्स मैमल्स बर्ड्स फिश एंड नॉन अदर नॉन टारगेट इंसेक्ट्स ये भी बिल्कुल ठीक है कि प्लांट्स को मैमल्स को बर्ड्स फिश इन सबको हार्म नहीं करते बैक्यूलो वायरसेज आर हेल्पफुल इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम प्रोग्राम

वॉट इज करेक्ट फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट इसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है माइक्रोबियल फ्लॉक्स कंटेन एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई बिल्कुल ठीक है एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई होता है माइक्रोबियल फ्लॉक्स में द एफ्लुएंट इज एजिटेटेड फॉर एरिएशन ये भी बिल्कुल ठीक है जो बच जाता है उसको एजिटेट किया जाता है किसके लिए ताकि उसके अंदर एरिएशन हो सके प्योरिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग विद मोर एंड मोर माइक्रोबियल एक्शन नहीं

बेसिलस थे बीटी कॉटन है तो हम देखते हैं यहाँ से बी का थ्री एक में है ऑप्शन नंबर ए फिर भी हम बाकी से मैच करते हैं माइक्रोएसा क्या करते हैं फोस्फोरस न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं और जो रूट न्यूड्यूल्स होती हैं वो राइजोबियम में होती हैं तो आंसर आएगा हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं र्यूमिनेट एनिमल्स कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोस इन द फूड वेयर एज ह्यूमन आर अनेबल टू डू सो दिस इज बिकॉज देखो जो र्यूमिनंट एनिमल्स होते हैं जैसे काओ बफलो वो क्या करते हैं सेल्यूलोर्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं लेकिन हम ह्यूमनज होते हैं वो नहीं कर पाते क्यों नहीं कर पाते मिथेनोजन्स आर एबसेंट इन ह्यूमन गट बिल्कुल ठीक बात है हमारे जो गट के अंदर मिथेनोजन्स नहीं होते लेकिन काओ बफलो जो भी ह्यूमिन एनिमल्स हैं उनके गट के अंदर होते हैं जो कि क्या करते हैं एक सेल्यूलेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो सेल्यूरोज को डाइजेस्ट कर पाए लेकिन वो हमारे अंदर एबसेंट होते हैं तो इसलिए हम सेल्यूरोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हमें स्टेटमेंट दी गई है द डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स कैन बी ओवरकम बाय यूज ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स ये बिल्कुल ठीक है सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स है. so, होते हैं उनका जो डिसएडवांटेज कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज होता ही है उसको हम कम कर सकते हैं कैसे बायो पेस्टिसाइड्स को यूज करके तो so, ये स्टेटमेंट ठीक है सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स आर केमिकल्स दैट आर टॉक्सिक एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल एंड हैव बीन पोल्यूटिंग बिल्कुल ठीक है कि जो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं

ये चार उनकी बीओडी वैल्यूज थी हमें यह बताना है कि इसमें से कौन सी जो लेक है वो ये कौन सा वाटर सैंपल है जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है तो देखो इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है सिक्स एम जी पर लीटर ये हमारी सबसे ज्यादा वैल्यू है इसका मतलब वहां पे बीओडी सबसे ज्यादा है बीओडी सबसे ज्यादा मतलब वहां पे बैक्टीरिया सबसे ज्यादा है बैक्टीरिया सबसे ज्यादा क्यों है क्योंकि वहां पे पोल्यूशन या फिर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है तो आंसर आएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें भी स्टेटमेंट्स है यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स ग्रेटली एनहेंसेज क्रॉप प्रोडक्टिविटी ये बिल्कुल ठीक है कि फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी ही होगी इरीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी इरीगेशन मतलब कि पानी देना क्रॉप्स uh, को ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ऑप्शन तो नंबर ए हमारे यहाँ पे ठीक होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं डॉक्टर एलेक्सेंडर फ्लैमिंग ऑब्जर्व इनिशन जोन अराउंड ब्लू मोल्ड इन कंटेमिनेटेड स्ट्लो

गंगा एक्शन प्लान मिथेनोजन्स बायोगैस ऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर तो देखो गंगा एक्शन प्लान ऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर रिलेटेड है बीओडी से गंगा एक्शन प्लान है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट से जो मिथेनोजन्स होते हैं वो क्या करते हैं प्रोडक्शन ऑफ मिथेन करते हैं और जो बायोगैस है वो मिथेन रिच फ्यूल गैस है तो हमारा आंसर यहाँ से बनेगा फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री विच इज ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे ठीक होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं

पेनिसिलिन था ना उसका पोटेंशियल उसको एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक उन्होंने ये ये डिस्कवर किया था ये बताया था डिस्कवरी ऑफ तो उन्होंने नहीं की थी प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक जेनेटिकन इंसुलिन भी नहीं की थी डिस्कवरी ऑफ डीएनए सीक्वेंस भी नहीं किया था तो उन्होंने क्या किया था हमारा जो पेनिसिलिन है उसके पोटेंशियल को एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक ये बताया था आदर्शन रीजन है नेक्स्ट क्वेश्चन हैव बीन एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंसी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है जो स्टेटिन वो क्या होते हैं ब्लड कोलेस्ट्रोल लोअरिंग एजेंट्स होते हैं कैसे करते हैं वो ब्लड कोलेस्ट्रोल एंजाइम को इनहिबिट करते हैं जो कि कोलेस्ट्रोल बढ़ाता है, भी 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 है। तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दे तो आंसर आएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए अगला क्वेश्चन है इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज आर रिमूव्ड बाय

तो इसमें से कुछ भी गलत नहीं है तो आंसर आएगा यहां से हमारा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द फर्मेंटेशन ऑफ डो टू मेक साउथ इंडियन फूड लाइक डोसा इडली एटसेट्रा इज डन बाय मतलब डो की फर्मेंटेशन हम करते हैं जब साउथ इंडियन फूड बनाने से डोसा इडली वो किससे करते हैं इनमें से बैक्टीरिया के हेल्प से करते हैं यीस्ट की हेल्प से करते हैं बैक्टीरिया एंड बेसिडियो फंगस की हेल्प से करते हैं या फिर इन दोनों की हेल्प से करते हैं तो हम करते हैं

और माइक्रोकोकस भी नहीं होता तो आंसर आएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है बाइ प्राइमरी ट्रीटमेंट इज कॉल्ड फिजिकल ट्रीटमेंट ये बिल्कुल ठीक है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिज्म वगैरह का यूज होता है और प्राइमरी में सिर्फ हम बाय फिजिकल मेथड से हम उसमें सॉल्ट पेबल्स और सॉइल को रिमूव करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है अगला देखते हैं प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑनली अपॉन फिल्टरेशन एंड सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन सीवेज ये भी ठीक है बिल्कुल तो यहाँ पे भी ठीक है रीजन भी ठीक है लेकिन रीजन यहाँ पे अजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो आंसर आएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी इन विच बोथ अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्टली इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्लोइंगली फाउंड इन माइक्रोराइजा माइक्रोराइजा में इनमें से कौन है जो कॉमनली फाउंड होता है मतलब बहुत ज्यादा मिलता है क्रोमैटियम मिलता है नहीं ग्लोमस मिलता है ये yes. ओसिलिटोरिया मिलता है नहीं क्लोसिटोरिया भी नहीं मिलता तो आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी विच इज ग्लोमस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वॉज डेवलप्ड इन इंडिया ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी थी वो किसके एफर्ट्स इनमें से इन चारों एसोसिएशन में से किसके से से बनी बनी थी थी वो खादी विलेज भी बनी थी और इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम से भी बनी थी तो आंसर आएगा हमारा डी ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीवेज वाटर इज ट्रीटेड बिफोर रिलीज इन टू वाटर बॉडीज सीवेज वाटर को हम पहले ट्रीट करते हैं ताकि उसको नदियों में और वाटर बॉडीज में छोड़ने से पहले हम उसको ट्रीट करते हैं टाइप ऑफ माइक्रोब्स यूज टू ट्रीट सीवेज वाटर इज इनमें से कौन से था टाइप ऑफ माइक्रोब्स हैं जो हम यूज करते हैं सीवेज वाटर को ट्रीट करने के लिए फोटो ऑटोट्रोफिक नहीं उनको वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं करना कीमो ऑटोट्रोफिक नहीं वहाँ पे ये तो है नहीं कि हमेशा सारा कुछ केमिकल्स ही होंगे सिम्बायोटिक भी नहीं होंगे तो वो होगा हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोप्स तो आंसर आएगा गया यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी अगला क्वेश्चन देखते हैं एनोरोबिक डाइजेशन ऑफ एरोबिक फ्लॉक्स इन सीवेज ट्रीटमेंट इज डन बाय एनोरोबिक डाइजेशन एरोबिक फ्लॉक्स में सीवेज ट्रीटमेंट के मेथड में कौन करता है फिजिकल ट्रीटमेंट से होती है एरेशन टैंक से होती हमारी स्लज डाइजेस्टर से अगला क्वेश्चन बायो जो बायोगैस होती है उसके अंदर बहुत 50 परसेंट ऑलमोस्ट मिथेन होती है तो मिथेन रिच होती है 50 टू 70 परसेंट होती है अराउंड और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी दूसरी गैसेस भी होती है बायोगैस इज फॉर्म एक्शन ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया और ऑर्गेनिक बायोगैस एक्शन से बनती है किसके मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया से और ऑर्गेनिक भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है तो यहाँ पे हमारा एंड रीजन दोनों ही ठीक है बट इसकी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आंसर आएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं

पानी की बिल्कुल कमी हो जाए तो टॉलरेंस बहुत ज्यादा होती है ये भी बिल्कुल ठीक है इनको रीजन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये भी बिल्कुल ठीक है कि उनकी सिम्बेटिक रिलेशनशिप है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा आंसर आएगा यहाँ से हमारा डी ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दी क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग मैचिंग इसमें से रॉन्ग मैचिंग बतानी है हमें माइक्रोब एंड इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ये कुछ माइक्रोब्स के नाम दिए हुए हैं और ये कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के नाम है तो से हमें बता रहे हैं कि कौन सा मैच आ, कौन सा यहाँ पे गलत मैच है ये एसीट नहीं वो तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है एसपेरिगल नाइगर सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है ये बिल्कुल ठीक है तो आंसर आएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी विच इज इनकरेक्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स इडली कॉफी इडली हम जो बनाते हैं घर में हम बाहर से खाते हैं तो वो पफी पफी कैसे हो जाती है अब प्रायन दैट रिलीजेज अ लॉट ऑफ गैसेज प्रायन थोड़ी होता है उसमें अब बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूसिस मिथेन मिथेन गैस भी नहीं होती हमारी इडली में अब बैक्टीरियम प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सी टू मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है कि कुछ कोई इसमें ऐसा बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है जिससे उसके अंदर पफीनेस आ जाती है तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी

इसमें स्किन इफेक्ट होती है बहुत ज्यादा तो इसमें आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए विच इज पेनिसिलिन एंड लेप्रोसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है मिथेनो बैक्टीरियम आर कॉमनली फाउंड इन स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट ये बिल्कुल ठीक है कि जब सीवेज ट्रीटमेंट होता है तो उसके अंदर मिथेनो बैक्टीरियम भी पाए जाते हैं अनट्रीटेड सीवेजर अगर कुछ सीवेज है उसको ट्रीट नहीं किया तो वो वॉटर पोल्यूशन होगा उससे बिल्कुल ठीक है और उससे वाटर बॉन्ड डिजीजेज भी होंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज जनरली रिलीज इन टू वॉटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो हमारा एफ्लुएंट बचता है उसको हम पानी वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते हैं जैसे रिवर्स और स्ट्रीम्स में होगा तो ये भी बिल्कुल ठीक है तो आंसर आएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी इन विच ऑल आर करेक्ट अगेन अजर्शन एंड रीजन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी एट में रिक्वायर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कर्ड कर्डलिंग मतलब बनाने के लिए, तो करनी पड़ेगी तो बिल्कुल ठीक है ये कर्ड मेकिंग रीजन बोथ आर करेक्ट हियर बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग दर्शन करेक्टली तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें इसमें बताना है करेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें माइक्रोब्स आर इन माइक्रोब्स किस किस में यूज होते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यूज होते हैं होते हैं प्राइमरी में होते हैं नहीं प्राइमरी में नहीं होते हैं एनरोबिक्स रजिस्टर में होते हैं प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में भी होते हैं तो हमारा आंसर आएगा से फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आ इज ऑप्शन नंबर सी इन विच फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर गिवन

स्टेप्टोकोकस प्रोड्यूस स्टेप्टोकाइन विच इज यूज टू रिमूव क्लोड्स ये बिल्कुल ठीक है स्पेरिगरस नाइगर प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड एंड ब्रुटैरिक एसिड नहीं तो so, हमारा आंसर आया यहाँ से ऑप्शन नंबर सी विच स्टेप्टोकोकस क्या करता है वो स्टेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस करता है स्टेप्टोकाइनेस so, क्या करता है जो क्लॉड्स होते हैं ना ब्लड के ब्लड के क्लोड्स होते हैं हमारी बॉडी में उसको रिमूव करने के लिए हेल्प करता है आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टेटमेंट बीओ रिप्रेजेंट स्टेटमेंट है कि बीओडी का मतलब क्या है कि एक वाटर बॉडी में या वाटर पर्टिकुलर एक वाटर में एक अमाउंट ऑफ यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि एक लीटर मतलब बताएं तो एक लीटर पानी के अंदर कितने ज्यादा ऑक्सीजन मिली हुई है ऑक्सीजन डिजोल्व है और वो ऑक्सीजन अमाउंट ऑफ डिजॉल्ड ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन वन लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज हाँ अगर मान लो कुछ ऑर्गेनिक मैटर है पानी के अंदर उसके अंदर माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी और ऑक्सीजन भी है तो जितने वन लीटर पानी के अंदर ऑक्सीजन चाहिए होगी वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए उसको बीओडी बोलते हैं और ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है हाई वैल्यू इंडिकेट्स दैट वाटर इज हाईली पोल्यूटेड बाय बाई गे बिल्कुल ठीक है ज्यादा बीओडी होगा ऑक्सीजन डिमांड होगी इसके बाद उसमें तो ज्यादा बैक्टीरिया है ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है तो आंसर आएगा हमारा यहाँ से दोनों स्टेटमेंट ठीक है स्टेटमेंट एंड आर करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे ठीक होगा अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड इज इसमें से सिट्रिक एसिड का गुड प्रोड्यूसर कौन सा है क्लोस्ट्रीडियम तो है नहीं सेक्रोमाइजिस सर्विस सेक्रोमाइजिस भी नहीं है सूडोमोनास भी नहीं है

जो ग्लोमस है वो सिम्बाइटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है नहीं नॉस्टॉक और ओलोजीरा है वो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं बिल्कुल ठीक है तो भाई इनकरेक्ट कौन से हो गए इसमें बी और सी तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इन विच बी एंड सी आर इनकरेक्ट करेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग इसमें से कौन सा है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग यूज नहीं करते ग्लोमस करते हैं करते हैं अर्थफॉर्म भी करते हैं और इसी भी करते हैं स्नेल यूज नहीं करते तो आंसर आएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन बताने साइक्लोफोर इज यूज एज इम्यूनोप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट से जो साइक्लोफोर ए है वो क्या करता है इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह यूज़ करते हैं हम उसको जब ट्रांसप्लांट करते हैं पेशेंट के अंदर साइक्लोस्फोरिन ए इज अ बाटिव मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाय फंगस नहीं एस्पेरिगल नाइगर उसको प्रोड्यूस नहीं करता तो हमारा स्टेटमेंट ए ठीक है बट बी गलत है तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन से बायो फर्टिलाइजर्स है साइनोबैक्टीरिया हैं, साइनो हैं, हैं तो सारे ही मेन सोर्स है तो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ डीज विच वन ऑफ बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर है फर्टिलाइजर इनमें से कौन सा क्या है बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर है इसमें से हमारा फर्टिलाइजर है राइजोबियम तो आंसर आएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगेन हमें मैच करना है टोडी क्या, क्या है, है. हमारा क्लॉड बस्टर है साइक्रोमाइसिस सर्विस फॉर्मेशन ऑफ डो डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन होती है लाइफे से तो आंसर आ गया यहाँ से हमारा थ्री वन फोर टू थ्री वन फोर टू विच इज ऑप्शन नंबर भी हमारे यहाँ पे ठीक होता है अगला क्वेश्चन है। गोबर गैस मेनली कंटेन्स। गोबर गैस के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है सीओ टू और एच टू नहीं मिथेन हो गया गोबर गैस का मतलब मिथेन तो होना चाहिए सिर्फ सी एच फोर होती है नहीं उसमें और भी चीजें होती हैं। सीओ टू और एच टू अगेन नहीं मेन कॉम्पोनेंट तो सी एच फोर है ना तो आंसर आ से ऑप्शन नंबर डी सी एच फोर प्लस टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीवेज शुड नॉट बी डायरेक्टली लेफ्ट इन टू रिवर स्ट्रीम्स एंड अदर वाटर बॉडीज ये बिल्कुल ठीक है कि डायरेक्ट सीवर के पानी को हमें नदियों में या फिर स्ट्रीम्स या वाटर बॉडीज में नहीं बहाना चाहिए बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है सीवेज कंटेन्स ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट दैट आर पैथोजेनिक ये भी बिल्कुल ठीक है जो सीवेज होती है उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है और दूसरे भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जो कि बीमारी कोस कर सकते हैं तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए हम पे हमारा ठीक होगा हमें अगेन हमें मैच करना है इसमें तो देखो ब्लू ग्रीन एलगी होती है हमारी एनोबीना स्पीसीस की ब्लू ग्रीन एल्गी होती है हमारी एनोबीना स्पीसीस की फंगस एज अ बायो फर्टिलाइजर होता है हमारा एक्टोमाइक्रोराइजा प्रीलिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है हमारा क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीस का फोस्फेट सोलिबलाइजिंग बैक्टीरिया है हमारा थायोबेसिलस तो यहां से हमारा ऑप्शन बनेगा थ्री वन

और फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरी प्राइज इन 1945 फॉर डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स ये बिल्कुल ट्रू है तो ट्रू ट्रू फॉल्स हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी में अगला क्वेश्चन देखते हैं स्विस चीज इज फॉर्म बाय स्विस चीज इनमें से किससे बनती है लैक्टोबैसिलस से बनती है नहीं सेक्रोमाइसिस सर्विस से बनती है नहीं पेनिसिलियम रोकपोर्टी से बनती है नहीं वो बनती है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी से तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी वन ऑफ द इज करेक्टली मैच इसमें से करेक्टली मैच कौन सा पेयर है से बनता है नहीं फ्रूट जूस बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है है डिटर्जेंट लाइपेज तो बहुत बी एंड सी यहाँ पे करेक्ट होते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं बट गैसेज आर इन प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टर इसमें से जो डाइजेस्टर होता है कौन सी गैसेज उससे प्रोड्यूस होती हैं मिथेन सीओ टू नहीं हाइड्रोजन सल्फाइड क्योंकि ऑप्शन नंबर बी अगला क्वेश्चन देखते हैं बायो कंट्रोल एजेंट टू बी अ पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुड बी कोई भी एक बायो कंट्रोल एजेंट है जिसको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट अगर वो है तो क्या होना चाहिए शुड बी स्पीसीज स्पेसिफिक एंड सिम्बायोटिक ठीक है ये हो सकता है लेकिन खाली इससे भी काम नहीं चलेगा फ्री लिविंग एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम कोई जरूरी नहीं है नैरो स्पेक्ट्रम नहीं नैरो स्पेक्ट्रम का तो नहीं होना चाहिए स्पेसिफिक होना चाहिए एंड इनएक्टिव ऑन नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म मतलब वो स्पीसी स्पेसिफिक तो होना ही चाहिए और साथ में इनएक्टिव होना चाहिए नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म पे मतलब जिस जिसको हमें नहीं मारना वो उस पर इनएक्टिव रहे तो आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्पेसिफिक टेक्सचर एंड फ्लेवर ऑफ चीज इज ड्यू टू द टाइप ऑफ माइक्रोब यूज अब क्या है चीज में अलग अलग टाइप के फ्लेवर इसलिए होते हैं क्योंकि हम इसमें अलग अलग माइक्रोब यूज करते हैं तो बिल्कुल ठीक है चीज इज ऑलवेज फर्मेंटेड बैक्टीरिया नहीं हमेशा बैक्टीरिया से तो नहीं होती तो आंसर आएगा हमारा स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट टू इज इनकरेट अगला क्वेश्चन देखते हैं विच वन इज यूज इन लीवनिंग ऑफ ब्रेड मतलब ब्रेड को बनाने में कौन सा यूज करते हैं हम करते हैं सेक्क्रोमाइसिस सर्विसी

मतलब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि ना बहुत सारे माइक्रोब्स एक एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करें नहीं एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक प्रोड्यूस लार्ज स्केल नहीं माइक्रोब्स ऑफ ग्रुप मतलब कि बहुत सारे के वो पे काम करती है तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है बिल्कुल ठीक है. तो है वो किससे रिलेटेड है बायो हर्बिसाइड से है नहीं बायो पेस्टिसाइड से नहीं वो है माइक्रोराइजर से एसोसिएटेड तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अगला क्वेश्चन देखते हैं ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आर पोटेंशियली यूजफुल जो ट्राइकोडर्मा होते हैं वो ज्यादातर इनमें से क्या किस काम आ सकते हैं बायो पेस्टिसाइड्स के बायो फर्टिलाइजर्स के मिथेनोजन के वेक्टर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग तो वो काम आती है हमारी बायो पेस्टिसाइड्स के तो आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए अगला क्वेश्चन देखते हैं होता है। इनके जो हम घर में बनाते हैं क्यों ऐसा होता है उसमें हम क्या यूज करते हैं लाइफेज यूज करते हैं तो हम उसमें डिटर्जेंट भी यूज करते हैं स्टेप्टाइनिस यूज करते हैं नहीं हम उसमें यूज करते हैं पैक्टिज एंड प्रोटीसिस मतलब की जो फालतू के छोटी छोटी चीजें होती है उसके अंदर वो ये वाले एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी जिससे जूस बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है अगला क्वेश्चन देखते हैं ऑर्गेजम्स कोल्ड मिथेनोजन आर मोस्ट अबेंडेंट इन जो मिथेनोजन्स होते हैं वो इनमें से कब सब सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं सल्फर रॉक पर पाए जाएंगे नहीं पॉल्यूटेड जगह पे पाए जाएंगे नहीं कटल यार्ड में पाए जाएंगे क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा कैटल्स होती हैं जो कि कावडंग रिलीज करते हैं तो उसके अंदर मिथेनोजन्स होते हैं और वो काम करते हैं गोबर गैस या बायोगैस को बनाने में अगला क्वेश्चन देखते हैं। है। कुकिंग एंड इन लाइटिंग बिल्कुल को हम एज यूज करते हैं और में। रीजन क्या दिया हुआ is considered as and source of energy, है भी बिल्कुल ठीक है लेकिन इसका करेक्टली रीजन तो नहीं है तो उन्होंने इको फ्रेंडली नॉर्मल चीज चीज बताई फैक्ट स्टेट किया हुआ लेकिन इसका रीजन नहीं है The assertion, so answer यहां से हमारा ऑप्शन नंबर बी अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट ठीक हैं? वाइन इज प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ग्रोथ ये बिल्कुल ठीक है कि वाइन को हम विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस हैं और बियर को भी विस्की इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ग्रोथ है कि विस्की को हम बाय डिस्टिलेशन प्रोड्यूस करते हैं बियर इज प्रोड्यूस डिस्टिलेशन नहीं विदाउट डिस्टिलेशन ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूड विदाउट डिस्टिलेशन नहीं ब्रांडी और रम को हम बाय प्रूव करते हैं आ, बनाते हैं मतलब तो आंसर आएगा यहाँ पे हमारे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ठीक है तो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इन विच फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट अगला क्वेश्चनो प्रदेश जो गाव और बफलो के गट होता है मतलब पेट होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है साइनो बैक्टीरिया होता है फ्यूकस स्पीशीज होती है या फिर कोलेरा की कोई स्पीशीज होती है तो आंसर आएगा हमारा यहाँ मिथेनो पे मिथेनोज उसमें सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं मिथेनो जन्स बहुत ईजी क्वेश्चन था अब हमें यहाँ पे फोटो दी हुई है सीवेज ट्रीटमेंट की इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इससे आप सबसे ज्यादा इसमें से आप बेस्ट इस फोटो को क्या कौन सी स्टेटमेंट डिफाइन कर रही है इट इन्वॉल्व्स फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन फ्रॉम रिमूविंग ग्रिट एंड इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज ये बिल्कुल ठीक है लेकिन ये इसको डिफाइन नहीं कर रही है

अगला क्वेश्चन देखते हैं सर एलेक्टर फ्लैमिंग एक्सट्रैक्टेड पेनिसिलियम फ्रॉम जो सर थे कौन से सर थे अलेगजेंडर फ्लैमिंग जो थे हमारे उन्होंने पेनिसिलियम को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया था पेनिसिलियम सिट्रिनम से नहीं उन्होंने क्या था पेनिसिलियम नॉट से ये बिल्कुल एनसीआरटी में गिवन ऑप्शन नंबर बी आएगा यहाँ पे हमारा आंसर अगला क्वेश्चन देखते हैं ट्राइकोडर्मा स्पीसीज हैज प्रूव्ड यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिन ट्रांसफर में नहीं बायोलॉजिकल्टोल फॉर सॉइल प्लांट बायो रेमिडेशन फॉर कंटेमिनेटेड सॉइल नहीं ऑल ऑफ दिस तो आंसर आएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंटीबायोटिक्स आर यूज टू ट्रीट डिसीजे सचेज एंटीबायोटिक्स इनमें से कौन से डिसीजेस को ट्रीट करने में हेल्प हुई है को बिल्कुल कुपिंग कप को भी और निमोनिया को भी तो आंसर आएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंटी फोर द डोमेस्टिक सीवेज इन लास्ट सिटीज़ जो लास्ट सिटीज़ में डोमेस्टिक सीवेज होता है उसमें क्या होता हैजे हाई बीओडी एज बोथ एरोबिक एंड एनोरोबिक बैक्टीरिया अगर एनोरोबिक बैक्टीरिया तो बीओडी के तो के तो ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है इस प्रोसेस्ड एंड देन एनोरोबिक बैक्टीरिया पहले एरोबिक से करते हैं प्रोसेस फिर एनोरोबिक से करते हैं

नहीं सेक्रोमाइसिस से no, नो से भी नहीं होती है ट्राइकोडर्मा पोलिसम से यहाँ तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अगला क्वेश्चन है अमंग दीज आर प्रोड्यूस्ड विदाउट विदाउट डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ग्रोथ कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं हमें पता है विदाउट डिस्टिलेशन कौन होता है वाइन एंड बियर तो देखते हैं विस्की होती है नहीं वाइन होती है बियर होती है रम और ब्रांडी नहीं होते तो सेकेंड और थर्ड आंसर आएगा ऑप्शन नंबर

या हार्ट अटैक आने वाला हो इन शॉर्ट तो उसमें क्लॉट बस् की तरह किसको हेल्प करते हैं पेनिसिलियम को नहीं क्लोस्टीडियम ब्रुटाइलम को नहीं स्ट्रेप्टो कोकस को हम यूज करते हैं एसिडोबैक्टर एसिडो को भी यूज नहीं करते तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट सेकेंडरी सीवेज के ट्रीटमेंट स्टेटमेंट्स बताने कौन कौन सी गलत है या सही है इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूजफुल एरोबिक माइक्रो माइक्रोब्स ग्रो रैपिडली एंड फॉर्म फ्लॉग्स ठीक है Frogs are masses of bacteria associated with fungal filaments to form mesh-like structure. बिल्कुल ठीक statement है. The growing microbes consume organic matter and this reduces the biochemical oxygen demand. When BOD of sewage has reduced, the effluent is passed into settling tank. भी बिल्कुल ठीक है. कि जैसे-जैसे microbes grow करते हैं, तो धीरे-धीरे organic matter को consume करते हैं. जब organic matter consume होने लगता है, तो धीरे-धीरे oxygen demand है, वो BOD है, वो कम होने लगता है. तो उससे क्या होता है जब एकदम ब्योटिबल बहुत कम हो जाता है तो जो हमारा बच्चा कुछ एफ्लुएंट होता है उसको हम रिवर्स सेटलिंग तो टैंक में डाल देते हैं तो ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है इन सेटलिंग टैंक द बैक्टीरियल फ्लॉक्स सेटल एंड द सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज ये भी बिल्कुल ठीक है कि सेटलिंग टैंक में जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स होते हैं वो जो द बैक्टीरियल फ्लॉक्स सेटल एंड द सेडिमेंट जो सेटल हुए होते हैं उनको हम एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं अ स्मॉल पार्ट ऑफ द स्लज इज यूज्ड एज एन इनोकुलम ठीक है एज एन इनोकुलम इनोकुलम मतलब स्टार्टर जैसे दही बनाते हैं तो उसके अंदर हम खट्टा वो डालते हैं ना थोड़ा सा स्टार्टर डालते हैं ताकि दही बन जाए उसमें दूध के अंदर तो ऐसे ही जो एक्टिवेटेड स्लज का हम थोड़ा सा उसके अंदर डालते हैं ताकि उसमें और ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो इन द एरेशन टैंक्स एंड द रिमेनिंग पार्ट इज पास्ड इनटू लास्ट टैंक्स कॉल्ड एनोरोबिक स्लज डाइजेस्टर ये भी बिल्कुल ठीक है इन द डायस्टर्स हेट्रोट्रोपिक माइक्रोस एनोरोबिकली डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फनजा इन स्लज प्रोड्यूसिंग नहीं ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई तो हमारी इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों ये स्टेटमेंट ठीक है तो इसका ये यहाँ पे स्लाइड एक मिसिंग है तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इन विच फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और जो फिफ्थ स्टेटमेंट है हमारी वो गलत है तो आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसी के साथ हमारी ये डी पी पी खत्म होती है थैंक यू वेरी मच